इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, महिला ने लगाए गांव खेड़ी शीशगढ़ के एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ और बदसलूकी के गंभीर आरोप। वहीं अन्य तीन लोगों पर लगाए मारपीट व जान से मारने की धमकी के आरोप। महिला ने दी पुलिस को लिखित शिकायत। पुलिस ने किया आरोपी के खिलाफ ही महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला दर्ज। मामला दर्ज कर पीओआ पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि खेड़ी शीशगढ़ में उसका पति कार लेकर घर अंदर जाने लगा था। गुरबचन नामक युवक द्वारा लाठी से वार किया गया। बीच बचाव करने आई महिला का आरोप कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए। महिला ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई की मांग की। न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। अपनी गाड़ी लेके आया किराया करता है जी। ये 8:30 बजे करीब यहाँ आया, अपनी गाड़ी यहाँ लगा के अपने घर के सामने उसके फूल उतार रहा था। तो उधर से ना इलेक्शन के जो बहसबाजी है गुरबचन सिंह जी के साथ, गुरबचन सिंह आया, उसने आके इसको डंडा मारा। आपको कैसे पता कि आप मौके पे थे या बाद में पता चला? मैं इधर दुकान पे आया था आटा चक्की के पे, वहाँ था मैं, वहाँ से मैं भाग के इधर आया जब रोड़ा पड़ा तो मैंने यहाँ था खड़ा था तो उसके बाद इसको डंडा मार के इसकी वाइफ आई है उसके साथ भी इन्होंने हाथापाई की है, उसके कपड़े कुपड़े पड़े हैं और जान से मारने के धमकी भी दी है। मौके पे हमारा जो मोजी सरपंच है अकविंदर कौर, उनका हस्बैंड था, उसको भी इन्होंने लठ मारा है। मैंने मौके पे देखे यहाँ जब लठ मारा कौन कौन लोग थे? यहाँ काफ़ी भीड़ थी। ये सरपंच साहब यहाँ थे, ये सुखदेव थे, इनके पिता थी और इनकी मिसिज थी यहाँ पे। वो हमला करके इधर से चार बंदे थे, वो चार के चार चले गए। मेरा दूसरा बार पहली गड्डी लेके आया, घर के बाहर गड्डी खड़ी की, लेकिन मेरे से अचानक हमला हो गया। मेरे सिर से बहुत ज़ोरदार डंडा मारे गए और जैसे ही घर वाली ने पता लगा गेट तो बाहर आई और मैं नीचे गिर गया। घर वाली ने मैंने बचाने की बड़ी कोशिश की, ठीक है, और मेरे से बहुत हमला होया। उस तो बाद मेरी घर वाले पर हमला होया, लेकिन आस पड़ोस वाले देख के उन्होंने बचाया। मैं बिल्कुल इन्नी हिम्मत नहीं सी कि मैं खड़ा होकर अपनी घर वाली बचा सकता। आस पड़ोस वाले ने बचाया और काफ़ी वार हुई मेरे। तो घरवाली के साथ क्या क्या किया, क्या कैसा व्यवहार किया? उन्होंने कपड़े फाड़े, बुरी नीयत नाल देखा और मौजूदा सरपंच जो है उन्हें ही बचाया और आस पड़ोस वाले तीन चार बंदे हो रहे थे जिन्होंने मौके पर मेरी घर वाली की जान और इज्जत दोनों बचाई। तो कपड़े क्यों फाड़े गए, क्या वजह रही? मैं पुरानी रंजिश सी इन्होंने 3 साल दी साढ़े हूँ, सानू इन्होंने कोई लेन देन नहीं सी, ना बोलचाल सी, किस वजह तो सी ये हूँ इन्होंने पता। तो क्या आपने शिकायत की पुलिस को? शिकायत की, हाँ पुलिस को शिकायत की हमने, वहाँ FIR दर्ज करवाई है हमने, मेडिकल भी करवाया, कुरुक्षेत्र मेडिकल हो चुका है, हमारा एक्सरे हो चुका है। तो अब क्या चाहते हो? असी इंसाफ ही चाहते हो, प्रशासन को जिन्नी भी हो सके साड़ी हेल्प कर। इन्होंने बहुत गलत तरीके जनानी उनके कपड़े फाड़े गए। मैं गुरप्रीत सिंह जी अपना। हाँ जी गुरप्रीत सिंह जी, मामला क्या है, आप मौके पे पहुंचे थे, क्या मामला था? मैं जी अपना जिस टाइम आया जी शोर से देखा, जो शोर पैन हो जी मौके से आया वहाँ, तो अपना बाहर अपना इतने मेरा गवांडी है अपना सुखदेव सिंह, तो वो पत्नी है जी, अपना वेख्या तो पत्नी से अपना गुरबचन है बिट्टू, वो यदि पत्नी ना झपटता पिया सी, तो जिमें आके मैंने छडाया ये अपना अंदर चले गए ने। बस जिमें अंदर इन्होंने मैं कल्या भी तुम अंदर टुर जाओ। बस एक अपना रतन सिंह है, तो एक अपना वो अपना उन्होंने लड़का मनिंदर है, एक करमान, ये गंडासियाँ तो डंडे लैके आ गए ने। आ के इन्होंने मैं बूहा बंद कराता इन्हों का, आ के इन्हें आंदा सार अपना पहला अमनिंदर आया रतन का मुंडा, उन्हें आके डंडे अपने गेट को मारने शुरू कर दिए ने। फिर अपना रतन सिंह आया पूर्व सरपंच, उन्हें भी आके आंदा भरा जहाँ खतरी इन्होंने छड़ना कोई इन्होंने मारना इन्हों पिंडों कटना इन्होंने अच्छ। मैं इन्होंने आख्या भी भरा एक मिनट गल सुनो, मैं पिंड सरपंच हाँ, एक बार गलत सुनो गल की हुई है, पर इन्हें मेरी एक नहीं सुनी हैगी। गुरबचन आया बिट्टू, उन्हें आमद्या सार मेरे अपना लाठी मारी है, मेरे अपना इतने बची है मेरे लाठी अपना। फिर लाठी मारन बाद मैं कोई गल नहीं अपना लाठी कि गल तो मारन दिया, कोई गल भी होगी पता लगे आंदा नहीं अज अपना मारना इन्होंने जानों कटन मारना इन्होंने छड़ना को नहीं है इन्होंने पिंडों कटना इन्होंने बह आ गल हुई है जो। उस तो बाद फिर आस पास के पड़ोसी आ गए ने, सारे पड़ोसी इतने आ गए ने, उन्होंने फिर आके अपना इन्होंने दबकया, फिर कि अपना मुड़े ने उस तो पहला पूरी की है अपने डंडे मारे ने सारा कुछ किया जी, गेट तक भन्न तक गए ने इन्हों का जी। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रणवीर कौर है जी। सर 10 तारीख को रात 8 बजे मेरे हस्बैंड घर आए, जैसे ही वो घर आए हमने गेट खोला, गेट खोलने के लिए गाड़ी अंदर करने लगे ना, गाड़ी से नीचे उतरे तो पीछे से सामने गुरबचन बिट्टू रहता है, उसने पीछे से लाठी से वार किया, वो उसी टाइम नीचे बेहोश होकर गिर गए। उन्हें नहीं पता भी क्या हुआ, उन्हें छोड़कर उसने मेरे ऊपर हमला किया।
मेरे हाथ पकड़ा और धक्का मार के नीचे गिर दिया, जिससे मेरे सारे कपड़े फट गए। मेरे साथ उसने छेड़छाड़ी की, बदतमीजी की। उसके बाद मैं समय पर ही सरपंच साहब आ गए, उसने मेरा बचाव किया। मैं अपने पति को लेकर अंदर आ गई, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मैंने ना अंदर आके अपना कुंडा मार लिया। फिर तीन चार जने आए लाठियां गड्ढा से लेकर, उन्होंने हमारा गेट बहुत खड़काया, बहुत वो किया, हमें धमकी दी, बाहर आओ हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें गेट इस गांव से निकाल देंगे, बाहर निकलो। हमें मारने की धमकी दी गई सर, हमें इन सब से बहुत खतरा है सर, हमें इंसाफ चाहिए सर। सर, एक महिला द्वारा छेड़छाड़ के आरोप में आरोप लगाया गया था और पुलिस ने FIR भी कर दी है, इस टाइम क्या मामला है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या जांच जारी है, इस बारे में कुछ कहेंगे आप? मामला गांव खेड़ी शीशगरा का है। 11 तारीख को एक महिला की कंप्लेंट हमारे को प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में हमने जो नामजद आरोपी थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पे मामला दर्ज हुआ है? ये कुल 4 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज है।